संधु गोत जट्टा विच काफ़ी प्रसिद्ध गोत है। पंजाब विच सिद्धू बराड़ा मगरों संधु गिनती दे पक्षों दूजा वड्डा गोत है। इन्हां दे मुख स्थान लाहौर अते अमृतसर जिले हैं। संधु भाईचारा सतलुज दरिया दे नाल नाल दोवें पासी वसिया होया है। पूर्ब विच अंबाले तो पछम वल संधु जिला सियालकोट अते गुजरांवाला दे पहाड़ी इलाकों विच भी काफ़ी गिनती विच मिलते हैं। गुरु नानक दा प्रसिद्ध सिख भाई बाला ते भारत दे महान शहीद सरदार भगत सिंह संधु खानदान विचों ही सन। संधु जट्टां दा ख्याल है कि वह अयोध्या दे राजा श्री रामचंद्र जी राही सूरजवंशी राजपूतां दी रघुवंशी कुल नाल संबंध रखते हैं। इस वंशी विचों ही संधु राय एक महान योधा होया है। सर लैपल गर्फन दी राय विच संधु उत्तर पछमी राजपूताना विचों पंजाब विच आए हैं। पुराने समय विच जद काल पैंदा सी तां जट लोग हरे चारे की तलाश विच किसी नवी थां चले जांदे सन। प्रसिद्ध इतिहासकार केसी यादव दे अनुसार बहुत ही जट जातियां 11वीं सदी विच महमूद गजनवी दे समय पंजाब विच आईयां हन। संधु भी इसे समय ही पंजाब च आए ने। एच ए रोज ने अपनी किताब विच संधुआं दियां 84 छुट्टियां मुहियां लिखियां हन। सियालकोट दे 1883-84 गजट अनुसार संधुआं दियां केवल 5 ही मुख मुहियां हन। जिला करनाल दे वसनीक संधु बाबा काला मार जां काला पीर दी पूजा करदे हन। ये संधु वंश दा वड्डा वडेरा है। इसकी असल समाध सियालकोट जिले विच थाना सतर जो कि इसकी उत्पत्ति दा स्थान आख्या जांदा है विच बनी हुई है। एक होर रवायत है कि काला महर मालवे दे सनेर तो उठ के माझे विच सरहाली चला गया। संधुआं दे सरहाली खेतर विच 22 पिंड हन। इस इलाके नूं संधुआं दा बाहिया कहा जांदा है। संधुआं दे 17 पिंड पकने दे इलाके विच हन। लाहौर दे इलाके विच ही संधुआं दे 12 पिंड सन जिन्हां विच राजा जंग तों जोधू आदि वड्डे ते प्रसिद्ध पिंड सन। लाहौरीए संधु हुण भी बहुत मशहूर हन। ये लड़ाकू ते झगड़ालू हुंदे हन। पूर्बी पंजाब विच आ के हुण मलवई भाईचारे विच ही रल मिल गए हन। मालवे विच जे गल करिए सतलुज दरिया दे नाल नाल अते मुक्तसर तों फरीदकोट तक भी हठाड़ खेत्र विच ही संधुआं दे प्रसिद्ध पिंड साइयां वाला चुगे वाला वीरे वाला भाग सिंह वाला मड़ सक्कां वाली कान्या वाली खड़ौंजा आदि काफ़ी पिंड हैं। रखाले दे संधु सरहाली तो आए हुए हैं। फरीदकोट दे पास संधुआं पिंड विच भी पहला संधु जट्टां ने ही आबाद किया सी। फिर बराड़ा आ गए। शुरू विच इस इलाके विच संधुआं ते बराड़ां दियां जमीना खातर आपसी लड़ाइयां भी होईयां। गाइटीआर फिरोजपुर अनुसार मोगे वल आए संधु माझे विच ही आलूवालिया सरदारां नाल ही आए। मुगल राज दे पतन मगरों जीरा दी बेट विच गिल्लां दे जोर देण ते संधु इस इलाके विच भी आबाद हो गए। लुधियाणे विच भी संधुआं दे कुछ पिंड हन। लुधियाणे तों अगे कुछ संधु दुआबे दे खेतर जलंधर हुशियारपुर तक चले गए। मुसलमाना दे हमलियां ते जुल्म तो तंग आ के कुछ मझैल संधु बठिंडा मानसा आदि इलाके विच भी वसे हन। हुण संधु तकरीबन सारे पंजाब विच ही फैले हुए हन। फरीदकोट दे इलाके विच मराणा विच संधुआं दा भारी मेला लगता है। मालवे दे संधु विआह जां पुत्तर दे जन्म दी खुशी विच बाबे काले महर दी समाध ते चढ़ावा चढ़ाउंदे हन। ये सारा चढ़ावा संधुआं दे मरासी नूं दित्ता जांदा है। संधुआं दे एक मरासी ने दस्सिया है कि फरीदकोट दे इलाके विच संधुआं दे मुखी काले महर ते पट्टियां विच दुश्मनी पैदा हो गई। पट्टियां ने काले महर दे रसोईए एक ब्राह्मण नूं लालच दे के अपने वल कर लिया। उसने काले महर नूं खाने विच कुछ जहर दे दित्ती। काले महर खाना खा के बेहोश हो गया। इस समय पट्टियां ने काले महर नूं मारना चाहिया पर एक असी ने उन्हां नूं रोक दिता कि काले महर अजे जाग रहा है।
पूरा सुत्ता नहीं है। जदों काले महार नूं होश आई तां पट्टियां ने उसके सिर नूं जख्मी कर दिता। वह जख्मी सिर नाल भी पट्टियां नाल लड़दा रहा। उस समय एक लारी मुसलमान ने भी पट्टियां की हौसला अफजाई की। काले महार ने मरन लगे अपने वंश के लोगों नूं आख्या कि मेरी मठ यानी कि मड़ी ते जो ब्राह्मण चढ़े तो उसका सिर वढ दिओ। ललारी दे नील दी वरतों ना करो। मेरी पूजा दा सारा चढ़ावा मरासी नूं ही देना है। हुण संधुआं दे परहोत मरासी हुंदे हन। पूरा चढ़ावा मरासी नूं ही दित्ता जांदा है। कई मरासियां नूं संधुआं दीआं मूहियां जबानी याद हन। कई सियाणे संधु इन्हां तों अपने कुर्सीनामे लिख के वही विच दर्ज कर लैंदे हन। सारे संधु ही मानदे हन कि बाबा काला महार काणी नींद सौंदा सी। कई संधु हुण भी नींद विच अपनियां अखां अद्धियां खुल्लियां रखदे हन। सारे संधु हुण भी बाबा काला महार नूं पीर वांग पूजदे हन अते बहुत सत्कार करदे हन। संधु जाट हिसार रोहतक ते मेरठ विच वसदे हन। ये हिंदू हन। एक होर रवायत अनुसार काले महार सरहाली दे पास दिल्ली सरकार दी फौज नाल लड़दे होया शहीद हो गया सी। जिथे उसका सिर डिग्या उस थान उसकी यादगार के तौर पर मठ यानी कि मड़ी बनवाई गई। माझे के संधु इतें ही सरहाली अपने इस जठेरे की पूजा करते हैं और खुशी विच चढ़ावे चढ़ाते हैं। मठ के दुआले चक्कर भी लाते हैं। सरहाली वलटोआ पणाणा मणावा आदि मझैल संधुआ के प्रसिद्ध पिंड हैं। पाननी अनुसार संधुआ का सिंध ते जेलम विचकार एक जनपद सी। 1739 ईस्वी विच इन्हां दे राजे पुनदेव ने अरबां नूं हराया सी। इन्हां दीआं अरबां नाल कई लड़ाइयां होईयां। आखिर इन्हां नूं सिंध छड्ड के पंजाब विच आउणा पिया। सिंध तों आउण कारण इस कबीले नूं सिंधू कहा जांदा है। ये जट्टां दा बहुत ही तेज ते तकड़ा कबीला है। सिख राजकाल विच संधुआं दी राजसी महत्ता बहुत वध गई सी। पंजाब दे जट्टां दा समाजिक दर्जा भी राजपूत ते खत्रियां तों उच्चा हो गया सी। झंजर जट्ट भी संधुआं नाल रलदे हन। झंजर उपगोत है। झंजर अते झिंजर गोत विच फर्क है। झिंजर जट्ट राजस्थान दे बागड़ खेतर तों उठ के मालवे दे संगरूर अते मलोह खेतरां विच आबाद हो गए सन। अकबर दे समय माझे दा चंगा संधु बहुत शक्तिशाली सी। उसने ही धौले कांगड़ दे चौधरी मेहर मिठे नूं 35 जाट बंसी पंचायत विच अकबर नाल रिश्तेदारी पाउण तों रोकिया सी। महाभारत दे समय विच सिंध विच जैदरथ संधु दा राज सी। दुर्योधन ने अपनी भैण दुशाला दा विआह जैदरथ नाल करके संधु जट्टां नूं अपना मित्र बना लिया सी। संधुआं ने महाभारत की लड़ाई विच भी हिस्सा लिया। कर्नल जेम्स टाट ने भी संधु वंश नूं 36 राज घराणियां विच शामिल किया। संधु सिंधु ते सिंधड़ एक ही गोत है। उच्चारण विच दरेड़े खेतरां विच जाके फर्क पै जांदा है। दलित जातियां चमारां ते तरखाना आदि विच भी संधु गोत दे काफ़ी लोग मिलते हैं। जिहड़े गरीब संधुआं ने दलित ते पिछड़ियां श्रेणियां दीआं इस्त्रियां नाल विआह कर लिया उन्हां दीआं जातियां विच रल गए। उन्हां दे गोत नहीं बदले पर जाति बदल गई। कई थाई संधुआं दे दासां ने भी अपने मालक वाला गोत रख लिया। यूरोप विच कुछ हफशियां ने अपने मालकां वाले ही गोत रख लए सन। छोटियां जातां दे संधुआं नूं संधु जट होका संधु कहिंदे हन। ये संधु गोत विच बाबे काले महार दे जन्म तों मगरों रले समझे जांदे हन। इन्हां बारे कई कल्पते मिथिहासिक कहानियां भी प्रचलित हन। संधु जट मुसलमान सिख हिंदू आदि धर्मां विच आम मिलदे हन। ये बहुते मुसलमान ते सिख ही हन। महात्मा बुद्ध दे सिद्धांतां तों प्रभावित हो के सिंध दे संधु जट बोधी बन गए सन। मुसलमान दे हमलिया मगरों ये बुद्ध धर्म छड मुसलमान सिख दे हिंदू बन गए सन। संधु जट्टां दा बहुत वड्डा ते प्रभावशाली गोत है। 1881 ईस्वी की जनसंख्या अनुसार संधु जट्टां दी गिनती सांझे पंजाब विच 135,732 सी। सर लेवल ग्रीफन ने अपनी किताब पंजाब चीफ्स विच संधु जट्टां दा इतिहास काफ़ी दिता है। बहुते संधु पछमी पंजाब ते माझे विच आबाद सन।
मालवे विच घट हन। संधो जट होर जटां दे मुकाबले शाही ठाठ ना रहिंदे हन। मराणे दे मेले विच संधो जरूर पहुँचदे हन। सिखां दीआं 12 मिसलां विच 4 मिसलां संधो खानदान दीआं सन। संधो जगत प्रसिद्ध गोत है। ये बाहरले देशां विच भी बहुत गए हन। संधो बहुत वड्डा भाईचारा है। संधो चुस्त ते घमंडी भी हुंदे हन। ये बहुत तेज दिमाग वाले हुंदे हन। भारत के सबका प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का गोत संधु अते जाति जाट सी। सो दोस्तों यह सी संधु गोत का इतिहास। सो दोस्तों इस तो अगली वीडियो आप किस गोत के बारे करिए सानू कमेंट करके दसो अते नाल दी नाल साडे इस यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब कर दिओ ते घंटी वाले बटन नू प्रेस कर दिओ ताकि आने वाली जो वीडियो ने उन्हां दा नोटिफिकेशन